भिवानी जिला के गांव मानहेरू में एक युवक की मामूली विवाद के चलते गला रेत कर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विवाद बुलेट बाइक के पटाखे बजाने को लेकर हुआ। पटाखे बजाने से मना करने पर कुछ लोगों ने अपने ही पड़ोसी युवक का गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये मानहेरू गाँव का मामला है जी। सुबह तकरीबन कोई 8:30-9 बजे की घटना है। तो सुबह सुबह ये जो लड़का है जिसने मर्डर करा है, इसने ये बुलेट मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सचिन सन ऑफ ओमबीर। तो ये बुलेट के पटाखे चलाता जा रहा था। तो ये इसका जो मृतक का जो छोटा भाई है विजेंदर, इसने उसको मना कराया कि भाई तू बुलेट पे पटाखे क्यों चला रहा है, इससे यार हमारी भैंसें भी दग रही हैं। तो इस बात को लेकर इन दोनों की कोई कहासुनी हो गई। तो दोनों के कोई थप्पड़ चट्टू चल गए तो, और दोनों का बीच बचाव करवा के वो अपने घर चले गए और ये अपने घर पर आ गए थे वापस। कोई बात नहीं हुई जी। इधर से इसका जो बड़ा भाई है अजय, वो अपने अंदर घर में था, ये भी सब अपने घर आ गए थे। पीछे से ये लोग सचिन सन ऑफ ओमबीर है, उत्तम सन ऑफ ओमबीर है, ये मैंने बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं, हरीश सन ऑफ मुकेश है, मुकेश सन ऑफ कपूर, अमित सन ऑफ सतबीर है, संदीप सन ऑफ गुंडा जाट है, अनीता है ओमबीर की वाइफ, मनोज मुकेश की वाइफ है, नरेंद्र सन ऑफ रामस्वरूप, सीटू सन ऑफ कृष्ण और रविंदर सन ऑफ महावीर। ये सभी लोग एकदम हमस्वरा होकर आए और इन सबके हाथों में, किसी के हाथों में फरसा था, किसी के हाथों में लाठी डंडा था, और एकदम से अचानक से आए और उसके अंदर घर में घुस गए। उन्होंने अंदर से अजय को आवाज लगाई है। अजय जैसे ही अपने घर से बाहर निकला है तो किसी नुकीले तेज धार हथियार से उसकी गर्दन के ऊपर उन्होंने वार किया है और गर्दन पे चोट मार के और वहां से ये लोग भाग गए हैं। मैंने तुरंत बाहर निकला हूं, निकल के इनको तुरंत यहां हॉस्पिटल में लेकर आया हूं। तब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, उससे पहले इसकी डेथ होगी थी रास्ते में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल सोनी है जी, मैं मृतक का जीजा हूं। यानी बुलेट के पटाखों को लेकर विवाद? हाँ जी, बुलेट के पटाखों को लेकर छोटा सा विवाद था, कोई ऐसा विवाद भी नहीं था, और उसका भी बीच बचाव करवा दिया था, वो अपने घर चले गए थे, ये अपने घर आके थे। उसके बाद में इन्होंने आके और जब अचानक से घर में घुस के उसको जान से मारा है। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की, पहले इनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पड़ोस का मामला है जी, बड़े प्यार से रहते थे, ये अचानक उन्होंने आके और तब इसको मारा है। कितनी उम्र थी, क्या काम? मृतक की उम्र जो है 28 साल के करीब होगी जी। उसके बाद जब इनका जब ये झगड़ा खत्म हो गया था तो मेरा जो साला है दीपक, वो यहाँ MRC है भिवानी में, उसको उन्होंने फोन करके धमकी भी दी है कि भाई हम उसको जान से मारेंगे। उसको धमकी देने के बाद फिर अचानक से उन्होंने हमला करके जब उसको जान से मारा है। क्या काम करते थे अजय? अजय जो है जी वो अपनी गाड़ी चलाया करता, ड्राइवर था, अपनी गाड़ी ले रखी थी, वही अपने प्राइवेट ड्राइविंग का काम करा करता। इनके मोटरसाइकिल पे पटाखे बजाने के ऊपर इनका विवाद हुआ था और मृतक सचिन के इनके चकमों से मारा गया था, हमला किया गया था। अभी तक इनने स्टेटमेंट नहीं दिया, स्टेटमेंट देने के उपरांत ही मतलब सारी स्थिति क्लियर स्पष्ट हो पाएगी। मारने वाले गांव के ही हैं, मारने वाले गांव के ही हैं, और उनको जैसे ही बयान देने के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चक्कू से मारा गया था।